पैन से आधार लिंक कराने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई। सरकार ने आधार से जुड़ने के लिए आखिरी तारीख 3 महीना बढ़ा दी। अभी तक यह तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। पैन और आधार लिंक ना होने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा में पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है। आयकर कानून में जोड़े गए नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार के लिंकिंग न किए जाने पर लगाने वाले जुर्माने का अमाउंट तय करेगी। जुर्माना 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। बुधवार को आयकर विभाग की वेबसाइट यूजर्स में भारी दबाव के कारण कई बार क्रैश हो गई। वित्त वर्ष 2019-20 का आकलन वर्ष 2020-21 का विलंबित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों और पैन कार्ड के आधार के साथ लिंक कराने वालों की भारी संख्या के चलते वेबसाइट क्रैश हो गई। इस कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने सोशल मीडिया पर समय सीमा को बढ़ाने की मांग की। अब ऐसे लोगों को भी राहत मिली है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर क्रैश होने के चलते बुधवार को पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करा सके। पैन को आधार से लिंक कराने का ऑनलाइन तरीका है। सबसे पहले आपको www.incometaxindia.filing.gov.in/home पर जाना है। बाईं तरफ लिंक आधार पर क्लिक करना है। अब पैन आधार और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें शो होगा कि पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। इस तरीके से आप आसानी से लिंक करा सकते हैं अपने आधार को पैन कार्ड से। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।